अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लिस्ट को देखना है, लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ स्किप कर गया था, मैं इसमें बतानी थी। जैसे अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लाइक हम ए के अंदर को वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास सिंगल लाइन जो भी है तो वो तो हम नॉर्मल जैसे पहले करते हैं इस वे में हम करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर सेव करते हैं। बट अगर हमारे पास मल्टी लाइन में डाटा है, लाइक हमारे पास 2 और 3 लाइंस के अंदर हमारे पास डाटा है, तो फिर हम कैसे लिखते हैं? फिर हम यहाँ पर 3 कोट्स लगाते हैं, सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं, डबल कोट्स भी लगा सकते हैं। लाइक डबल कोट्स तीन लाइन से स्टार्ट करेंगे और जहां पर हमने एंड करना है वहां पर भी फिर 3 सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, जहां से स्टार्ट करेंगे 3 सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, एंड भी 3 सिंगल कोट्स डबल कोट्स के साथ करेंगे। तो ये आपकी मल्टी लाइन बन जाएगी स्ट्रिंग। अब हम इसको प्रिंट करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है, फिर आपको वहां से ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। कंसोल के अंदर आप देख सकते हैं, अभी ये जो है ना इसको कट कर देते हैं। हमारे पास जो है ना ये जैसे जैसे हमने यहाँ लिखा है 3 लाइनों के अंदर है और वैसे ही हमने यहाँ पर उसको प्रिंट कर लिया है, ठीक है। सो जितना भी आपके पास डाटा होगा इन 3 सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। तो मल्टी लाइन डाटा पुट करने के लिए हम 3 कोर्सेज यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने आज वाले टॉपिक की तरफ, लिस्ट की तरफ। तो वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट के नेम से ही वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, उसके अंदर अब हम लिस्ट के अंदर कुछ भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वो उसकी स्ट्रिंग होगी, उसके बाद कॉमा, अगर ऐसे ही कॉमा डालकर आप इंटीजर वैल्यू ऐड कर देंगे तो वो भी स्ट्रिंग का हिस्सा होगी। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो हमारे पास आउटपुट में ये स्ट्रिंग आ रही है, सॉरी ये लिस्ट आ रही है। अगर हमने इस लिस्ट का सिर्फ पहले वाला ही जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करना है तो हम वो कैसे करेंगे? प्रिंट लिस्ट और यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो हमारे पास नेम प्रिंट हो गया, जो ये नेम है लिस्ट और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर 0, ये फर्स्ट को शो करता है। अगर यहाँ पर 1 होगा तो सेकंड वाले को शो करेगा। अभी हम यहाँ पर इसको 1 लिखकर प्रिंट करते हैं तो हमारे पास आईडी प्रिंट हो गया है। तो जो वेरिएबल का नेम है और उसके बाद ये 0 से स्टार्ट होता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स लिस्ट हैं, इसके अंदर हम स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करना देते हैं। अब लेट्स सपोज हमने इनको साथ में प्रिंट करना है, दोनों को मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे? एक और स्ट्रिंग बनाएंगे list3 के नाम से, इसके अंदर इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो हम पहले इसका नेम लिखेंगे जो फर्स्ट वाली है, उसके बाद कॉमा से इसको सेपरेट करके इसके आगे 3 डॉट लगाएंगे और फिर सेकंड वाली का नेम लिखेंगे। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, लिस्ट 3 इसमें आएगा। अच्छा, अभी ना हमारे पास ये हम देखोगा ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट में ही आ रहा है list 1, जो हमारे पास लिस्ट की वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर आ रही है। अगर हम इससे पहले भी 3 डॉट्स लगा देंगे तो ये ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अब ये डाटा एक साथ मर्ज होके आ गया है। तो इस तरह से 3 डॉट लगाकर हम लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ से list.first लिखेंगे तो ये उसका फर्स्ट वाला जो हमारे पास वैल्यू होगी, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है वो उसने प्रिंट कर दी है। अच्छा, हमने यहाँ वेरिएबल लिखा है वेर, तो आपने ये माइंड में रखना है कि इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है, इसके अंदर इंटीजर्स भी हो सकता है और इसके अंदर डबल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, बूलियन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। वो आप लोगों को आइडिया है कि वेरिएबल के अंदर क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ पर इस पर और भी बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। लास्ट लिखेंगे तो वो लास्ट वाला प्रिंट कर देगा, जो लास्ट वाला हमारे पास स्ट्रिंग होगा या इंटीजर जो भी होगा, ये स्ट्रिंग है तो वो उसने लास्ट वाला प्रिंट कर दिया। इस तरह से बहुत सारे एक्शंस हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने इसको 1 बाय 1 प्रिंट करना है तो भी आपको बता दिया है कि आप इसका नेम लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, इस तरह से करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। होप्स हो कि ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। अगर लिस्ट के बाद अभी हम सेट की तरफ चलते हैं कि सेट क्या होता है। वेरिएबल लिखेंगे, सेट का नेम लिखेंगे, इनिशियलाइज किसी भी वेरिएबल के साथ इक्वल डालेंगे और कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। ये आपका सेट है। अभी फ़िलहाल ये एम्प्टी सेट है, इसको प्रिंट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रिंट एम्प्टी सेट कैसे प्रिंट होता है। देखो ये एम्प्टी सेट है, देखो। अच्छा, सेट होता क्या है? सेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ यूनिक स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स कह सकते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट देखा, उसके अंदर आप कुछ भी लिखते थे लाइक सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर, वो उसकी लिस्ट होती थी। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें आप जितना भी कुछ, चाहे आपकी चीज़ें डबल हो रही होंगी, जितने भी आपके इंटीजर्स या स्ट्रिंग्स डबल आ रही होंगी, बट प्रिंट में वो सिंगल टाइम शो होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक जैसी 2 स्ट्रिंग्स हैं, इसके अलावा 1 है 11 और अगेन 11, और अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखें अब हमारे पास जो ए है वो भी सिंगल टाइम प्रिंट हुआ है, 11 भी सिंगल टाइम प्रिंट हुआ है और 5 भी सिंगल टाइम। सेट बेसिकली वहाँ पर यूज़ करेंगे जब आपको यूनिक कलेक्शन चाहिए होगी डाटा की। आपके पास कोई भी रॉ डाटा है, आप चाह रहे हैं कि उसमें से जो है ना सिर्फ यूनिक नंबर्स ही प्रिंट हों, 1 टाइम रिपीट ना हो कुछ भी, तब वहाँ पर आप सेट यूज़ करेंगे। और लिस्ट के अंदर जो भी आपकी उस ब्रैकेट्स के अंदर होगा, लिस्ट के अंदर होगा, वो सेम एज इट इज़ प्रिंट होगा। ये जो है ना सेट और लिस्ट के अंदर डिफरेंस है। अच्छा, एक मेथड ये है इसको लिखने के लिए, जो सेकंड मेथड है उसमें ये है कि आप यहाँ पर सेट लिखेंगे, उसके बाद उसका नेम, उसके बाद इक्वल, उसके बाद यहाँ पर आप डाटा टाइप लिखेंगे, जो भी डाटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर आप सिर्फ स्ट्रिंग्स यूज़ करेंगे, जो आप डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो यहाँ पर डाटा जो है वो फिर वही आप ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंटीजर डाटा पुट करते हैं तो वो एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग रखी हुई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम इसको इंटीजर करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग वाला जो है वो डाटा एरर देगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं अपने सेट को, और इस तरह से भी आप इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। ये दोनों मेथड यूज़ हो सकते हैं। इसके अंदर आपने डायरेक्ट वेर लिखा और उसका वेरिएबल का नेम और उसके बाद सेट। यहाँ पर आप डाटा टाइप भी देख सकते हैं इस मेथड में। अच्छा, अगर आपके पास एक एम्प्टी सेट है और बाद में आप उसके अंदर अपडेट करके उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं वो ऐड कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। अभी लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, तो सबसे पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये वाकई एम्प्टी है। जी, ये एम्प्टी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सेकंड वाला फर्स्ट जो है उसका वो पहले प्रिंट करा, हम इसको रिमूव कर देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड करना है, फॉर एग्जांपल टू ऐड करते हैं, 20 ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास 20 आ गया। अब 2 आइटम हो गए। इस तरह से आप इनके अंदर पहले एक एम्प्टी सेट लेके उसके बाद भी उसमें वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका आपका बता दिया है कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं मैप की तरफ कि मैप क्या होता है। सेट आपने देखा है कि कैसे लिखते हैं, इसके अलावा लिस्ट आपने देख ली है। अभी हम मैप की तरफ चलते हैं, देखते हैं मैप क्या होता है। मैप के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। तो अभी हम देखते हैं कि हम एंड में सेमीकोलन आया और अब इसके अंदर हम देखते हैं वैल्यू कैसे पुट करते हैं। हम जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसका नेम लिख देते हैं उसके आगे, ये सी नेम। अब इसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू है 25 फॉर एग्जांपल। आप इसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल एक नेम है, उसके बाद सेकेंड आपने ऐड करना है, तो आप सेकेंड आइटम ऐड करेंगे, उसकी भी एक वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है। ऐसे ही हम इसके अंदर कोई और स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम ये जो लेते हैं इसको मैप कहते हैं। ठीक है, हमारे पास शो हो गया कि नेम क्या है, बदर आईडी उसकी क्या है, उसका नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें। हाँ, अच्छा, यहाँ पर सिंगल ज़ीरो प्रिंट हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया सेट के अंदर सेम ऐसे है, जैसे कि ये जितने भी आपकी रिपीट हो रही होंगी चीज़ें वो आपकी सिंगल टाइम प्रिंट होगी। सेम इसी तरह इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर की और वैल्यू का इंक्रीमेंट है जो कि सेट के अंदर नहीं है। जब आप ये की और वैल्यू लिखेंगे तो ये मैप होगा, नहीं लिखेंगे तो ये एज ए सेट काउंट होगा। अगर हमने ये सारे जीरो प्रिंट करवाने हैं तो हम इसको सिंगल कोज या डबल कोज में लिखेंगे तो वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये है मैप। अच्छा, ये आपने देख लिया है मैप। अब हम मैप को ना एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले सेट को देखा था, सेम इसी तरह से यहाँ पर अगर हम मैप लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसकी हम डाटा टाइप देंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद इक्वल, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये भी एक मैप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने दो डाटा टाइप इसलिए दिए हैं क्योंकि एक की है और दूसरी वैल्यू की है, और ये चेंज भी हो सकते हैं, लाइक एक स्ट्रिंग और दूसरी इंट। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बस ये होगा कि ये हमारे पास जो की है वो स्ट्रिंग होगी और जो वैल्यू होगी उसको इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर डाटा टाइप आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी वो आप यूज़ करेंगे। ओके अभी हम देख लेते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है ए और उसके अंदर मैंने लिखा है 2। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ और मैं लिखता हूँ ए, इससे पहले मैं लिख देता हूँ डबल प्लस ए से पहले, एंड में सेमीकोलन आएगा। इसके बाद हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो अभी आप देखेंगे। इसको दोबारा रन करते हैं। जो हमारे पास आउटपुट आई है वो है 3। अब हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर जो ए की वैल्यू थी, यहाँ पर डबल प्लस लगाने से उसने पहले उसको इंक्रीमेंट किया और उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया। अगर हम इसी को माइनस कर देते हैं तो फिर आंसर आएगा 1 और ये डिक्रीमेंट है। देखिए पहले 3 प्रिंट हुआ जो प्लस का था, उसके बाद माइनस वाला 2 आया क्योंकि पहले उसने उसको प्रिंट कर दिया था 3। अगर हम इसको स्किप कर देते हैं फिर 1 आएगा, अगर हम इसको प्रिंट नहीं करते हैं फिर 1 आएगा हमारे पास। पहले उसने इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट किया, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट के साथ प्रिंट किया। देखिए आंसर है 1। ये डिक्रीमेंट है, जो प्लस के साथ लिखा था वो इंक्रीमेंट था। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हम पहले नहीं लगाते हैं प्लस और उसके बाद लगा देते हैं, लाइक प्रिंट ए प्लस प्लस। अब ये प्रिंट हमारे पास 2 करेगा, प्रिंट 2 करेगा, बट अगर हम दोबारा इसको प्रिंट करते हैं तो फिर 3 करेगा। अब इसने प्रिंट किया 2 बट ए की वैल्यू अपडेट हो गई है, ये लिखने से ए की वैल्यू 3 हो गई है, बट प्रिंट वो पहले ए कर देगा। अब अगर हम दोबारा इसको करते हैं या हम यहाँ पर प्लस नहीं भी लगाएंगे तो ये वैल्यू 3 होगी इसकी। अब इसकी वैल्यू 3 होगी। ये देखिए ये इंक्रीमेंट हो गया इसका। अभी इस पार्ट के करने के बाद इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 4 हो गई है, वैल्यू अपडेट हो गई है, बट अभी हम उसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ए लिखेंगे अगर अब तो ये 4 आएगा क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू अपडेट होगी, ये इंक्रीमेंट हो गया। सेम सिनेरियो माइनस के साथ भी है, अगर आप यहाँ माइनस लगाएंगे तो वो डिक्रीमेंट होता चला जाएगा। ये देखिए अभी ए की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है 4। ये वाला आंसर, यहाँ पर वो इंक्रीमेंट कर रहा है लेकिन प्रिंट वही प्रीवियस वैल्यू कर रहा है, बट अगर हम यहाँ पर पहले इसके प्लस लगा देते हैं तो फिर ये इंक्रीमेंट करने के बाद प्रिंट करेगा। लाइक यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो पहले एक प्लस होगा उसमें और उसके बाद उसको प्रिंट करेगा वो। ये देखिए 5 आ गया, उसने यहाँ पर वैल्यू अपडेट की और यहाँ पर उसने अपडेट करने के साथ ही प्रिंट कर दी। ठीक है, अगर पहले प्लस आता है तो वो इंक्रीमेंट करके प्रिंट करता है और अगर बाद में प्लस लगाते हैं तो वो पहले वैल्यू प्रिंट कर देता है और उसके बाद वैल्यू अपडेट कर देता है। सेम माइनस के साथ भी है। होप सो ये समझ आ गया होगा कि अब हम देखते हैं कि फॉर लूप क्या कैसे काम करता है। अभी यहाँ पर लेट्स सपोज अभी हमने थोड़ी देर पहले लिस्ट किया था। अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है, कुछ भी स्टूडेंट्स की लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग्स है, लाइक उनके नेम्स हैं रिजवान, मसद, रमज़ान। लेट्स सपोज ये 3 स्टूडेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर और इसको हमने फॉर लूप के ज़रिए प्रिंट करवाना है इन सबको। पहले जो मैंने आपको मेथड बताया उसमें ये था कि हम 1 by 1 भी इनको प्रिंट कर सकते हैं, लाइक उनकी कमांड देंगे प्रिंट स्टूडेंट्स और उसके अंदर वैल्यू दिख देंगे कि कौन से वाला हमें प्रिंट करना है, 0 वाला करना है, 1 वाला करना है या 2 वाला करना है, जो भी हमने करना है तो हम उसकी वैल्यू देंगे तो वो उसको प्रिंट कर देते हैं। अभी ये 0 लिखेंगे तो ये रिजवान को प्रिंट करेगा, फर्स्ट 1 को। ठीक है, एक मेथड ये है, ये देखो आप आंसर रिजवान मेथड ये था। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पर फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर लूप हम इस तरह से लगाएंगे जैसे फॉर, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स में इसकी कंडीशन, और जो हमने प्रिंट करवाना है इसके बदले में वो इन ब्रैकेट्स के अंदर। अच्छा, कंडीशन हमारे पास कैसे लगेगी? यहाँ कंडीशन ऐसे लगेगी, यहाँ हम सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएंगे 0 से, ठीक है, उसके बाद सेमीकॉलन। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे जो हमारा आई है वो कब तक चले? जब तक हमारी ये स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है तब तक चलना चाहिए। लाइक आई इज लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, जितनी हमारी स्टूडेंट्स की लेंथ है उस टाइम तक इसको चलना चाहिए, और ये इसके साथ इंक्रीमेंट करता जाए हर एक दफ़ा प्रिंट करने के बाद। यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमने इसके रिस्पांस में प्रिंट करवानी है। हमने क्या प्रिंट करवाना है? हमने इस लिस्ट के जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं उनको हमने प्रिंट करवाना है, और यहाँ पर हम आई लिख देंगे जो हमने इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, अब इस बात को दोबारा समझो। हमारे पास फॉर लूप का ये सिंटेक्स है, आपने फॉर लूप लिखना है और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर उसकी कंडीशन आएगी। ये उसकी कंडीशन है। ये कंडीशन क्या कह रही है कि एक वेरिएबल है आई, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो तब तक चले जितना स्टूडेंट्स की लेंथ है। अब देखिए, हमें नहीं पता है कि स्टूडेंट्स की लेंथ में, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है ये कितनी बड़ी है। यहाँ पर तो हमने एक स्पेसिफिक 3 इसमें स्ट्रिंग्स ली हैं, बट सम सिनेरियोज़ के अंदर ऐसा होता है कि हमें आइडिया नहीं होता है, कितनी बहुत बड़ी लिस्ट भी होती है। तो उस सूरत में हम यहाँ पर उसकी लेंथ लिख देंगे कि जितनी उसकी लेंथ है तब तक ये चलना चाहिए। अब आई जो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब वो पहले यहाँ पर 0i की जगह 0 आएगा, जो हमने स्टूडेंट्स के अंदर i लिखा है 0 आएगा। जब ये एक दफ़ा चल जाएगी ये लूप, ये उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो चेक करेगा नेक्स्ट कंडीशन i प्लस प्लस मीन, उसका एक इंक्रीमेंट कर देगा। पहले i सिंपल प्रिंट करेगा, और अगर बाद में प्लस है तो आपको थोड़ी देर पहले भी बताया वो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू को इसकी करेगा अपडेट। अब वो उसकी वैल्यू 1 कर देगा, फिर 1 यहाँ पर पुट करेंगे, वो भी है हमारे पास अवेलेबल है, वो आके चेक करेगा i जो हमारे पास यहाँ 1 हो गया था, अब वो चेक करेगा क्या ये 1 स्टूडेंट्स लेंथ से छोटा है या बड़ा है। तो ये उससे छोटा है क्योंकि स्टूडेंट लेंथ हमारे पास 3 है, 3 स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर और ये छोटा है आई, तो ये चेक करेगा। उसके बाद उसको अपडेट कर देगा, उसके प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद वो इसको इंक्रीमेंट करेगा। जब इंक्रीमेंट करेगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 चेक करेगा और 2 फिर दोबारा वापस जाएगा फॉर लूप में, और वो इसको चेक करेगा कि 2 हमारे पास स्टूडेंट लेंथ से स्मॉल है या ग्रेटर देन है। तो वो स्मॉल है, स्टूडेंट लेंथ 3 है, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उसको वो प्रिंट कर देगा। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। हमारे पास पहले क्या प्रिंट हुआ? रिजवान। उसके बाद दोबारा उसने लूप चेक की, मसब, एंड थर्ड नंबर पे दोबारा उसने चेक की वो रमज़ान। ठीक है, सेम यहाँ पर जैसे फॉर लूप लगाया हम यहाँ पर वाइल लूप भी लगा सकते हैं। अच्छा, वाइल लूप कैसे लगाते हैं वो भी देखते हैं। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम वाइल लूप देखते हैं कैसे करते हैं। वाइल लूप के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, इसकी वैल्यू लेट्स सपोज 1 और 0 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाइल लूप वाइल लिखेंगे और वाइल के अंदर भी कंडीशन लगाएंगे कि हमारे पास कंडीशन कैसे ट्रू हो या कैसे फॉल्स हो। तो हम यहाँ लिखेंगे n इज ग्रेटर देन 5 हो तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए n, या हम इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिख लेंगे नंबर्स इज, और अगर हमने n भी प्रिंट करना है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे $, फिर ये n की वैल्यू को प्रिंट करेगा। बट यहाँ पर हम एक चीज़ और लिखेंगे, इंक्रीमेंट यहाँ पर करेंगे। अब ये क्या करेगा? वाइल लूप चलेगी, वो चेक करेगी कि जो हमारे पास n है, ये n जो हमने 0 इनिशियलाइज करवाया है वो 5 से स्मॉलर है या ग्रेटर है। वो स्मॉलर है, ऑब्वियसली 0 5 से छोटा होता है, तो फिर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद वो दोबारा इसको कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। जब वो इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वो चेक करेगा और दोबारा इसको सेम ऐसे इस तरह से 5 दफ़ा इसकी लूप चलाएगा। ये देखिए हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, नंबर इज़ 0, नंबर इज़ 1, नंबर इज़ 2, 3, 4। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर 4 तक 5 बनते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ तक जब हमारी ट्रू हो जाएगी तब तक ये इसको प्ले करेगा। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये नंबर 5 को भी उसके साथ कर देगा क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल का साइन डाल दिया। ठीक है, ये वाइल लूप का सिंटेक्स है, और वाइल लूप और फॉर लूप दोनों इसके ऊपर लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम देखते हैं हम लिस्ट के ऊपर कैसे हम लगाते हैं वाइल लूप। सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेंगे हम, आई ही करवा लेते हैं अगेन 0। ठीक है, अब इसके ऊपर हम वाइल लूप लगाने वाले हैं। लाइक वाइल, इसके अंदर कंडीशन आई इज लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, जितनी इसकी लेंथ हो जब तक उससे कम हो तब तक ये इसको लूप को चलाए। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट और स्टूडेंट्स और फिर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्योंकि अभी हम आई को इनिशियलाइज करवा चुके हैं। इसके लिए यहाँ पर आई 0, उसके बाद यहाँ पर और फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट। ठीक है, ये वाइल लूप इस तरह से काम करता है। अब इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं। देखिए रिजवान, मसब एंड देन रमज़ान। इसने क्या किया, पहले इनिशियलाइज आई 0 था, ये जो कमांड थी ये वाला प्रिंट ये हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसने चेक किया आई की वैल्यू स्टार्ट में क्या इनिशियलाइज 0, तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स इसके अंदर 0 और उसको प्रिंट कर दिया रिजवान। फिर उसने इसमें इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस के साथ, एक इंक्रीमेंट हुआ, आई इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, उसने चेक किया अगेन कि 1 जो है वो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ से स्मॉल है या ग्रेटर देन है। जब उसने देखा ये उससे ये इसकी जो लेंथ है वो 3 है, कि 3 स्ट्रिंग्स हैं इसमें और हमारे पास वैल्यू यहाँ पर अपडेट होकर क्या हुई थी 1, तो आई इज इक्वल टू 1 था, वो आई जो 1 है वो लेस देन है स्टूडेंट्स डॉट लेंथ से। डेट्स वाई ये कंडीशन ट्रू होती है। फिर ये इसको प्रिंट कर देगा अगेन, आई यहाँ पर आई की जगह 1 और 1 वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इस तरह से दोबारा इंक्रीमेंट करेगा और ये लूप चलती रहेगी। आपको ये समझ आ गया होगा।